श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मंचवर्ती उपस्थित देशाचे पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गोवा राज्य से राज्यपाल आदरणीय श्रीधरन पिल्लई साहेब, गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत साहेब, केंद्र मध्ये राज्य मंत्री श्रीपद नायक साहेब, क्षेत्र के आमचे खासदार विजय तेंदुलकर साहेब, क्षेत्र से आमचे आमदार प्रवीण अर्लेकर साहेब, आणि हे कार्यक्रम मध्ये उपस्थित सगळा आमचे क्षेत्रचे भाऊ आणि भागिनी सगळ्यांना माझा प्रणाम आणि स्वागत। आज हे मंच वरून आमचे देशाचे प्रधान सेवक पंतप्रधान परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चे मनापासून हार्दिक अभिनंदन आहेत गोवा चे धरतीवर। हमारे नरेंद्र मोदी जी के आगमन से गोवा के मौसम भी आज सुखद हो चुका है, माहौल में भी उत्साह है और क्षेत्र की जनता में भी एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिली है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी के यही विचारधारा का परिणाम है कि आज छोटे से छोटे राज्य और दूर दराज के क्षेत्रों में भाजपा की सरकार की विकास की ज्योति जलाने का काम आज एक एक राज्य में किया जा रहा है। और आज इसलिए गोवा के अगर हम चारों तरफ देखें, चाहे हमारी पर्यटन क्षमता हो, चाहे हमारी समृद्ध इतिहास हो, चाहे हमारी आर्थिक संभावनाएं हो, चारों तरफ एक नया भंडार इन शक्तियों का पनप रहा है। और आज इसी संकल्प को नए पर देते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 2870 करोड़ रुपए का गोवा का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मोपा में लोकार्पण के लिए हम दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। असलियत तो यह है कि आज मेरे भाई और बहनों, जहां पूर्व की सरकारों में एक साल में शायद एक आधा अधूरा भी हवाई अड्डे का निर्माण नहीं होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ष एक हवाई अड्डा नहीं लेकिन कई हवाई अड्डों का निर्माण होने जा रहा है। इसी वर्ष देवगढ़ का हवाई अड्डा, बेंगलोर में नया टर्मिनल, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में नया हवाई अड्डा और आज मोपा गोवा में एक नया हवाई अड्डा, इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास और प्रगति के द्वार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुलकर एक नया ज्योति का प्रकाश प्रदान करते हैं। आज कनेक्टिविटी की हम बात करें तो पूर्व में डबल इन में जो सिविल एनक्लेव हुआ होता था वहां क्षमता की कठिनाई, स्लॉट्स की कठिनाई, आज मोपा गोवा के हवाई अड्डे के निर्माण के आधार पर वे सारे सीमाएं, वे सारे बाधाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। 7 देशों से आज गोवा का एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है,
और पर्यटकों की सुगमता के लिए पानाजी से 35 किलोमीटर दूर दोनों तरफ उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबोलिन एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से वे यात्रा कर पाएंगे। और ये पहले बार इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में एक ही शहर में दो दो एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है। एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और ये इसलिए भी रचा जा रहा है कि गोवा केवल गोवा राज्य का गेटवे नहीं है लेकिन कई तरीके से भारतवर्ष का गेटवे है पूरे विश्व के लिए। आज ये 2,100 एकड़ की भूमि में स्थापित ये एयरपोर्ट 3 करोड़ की क्षमता रखने वाला है। पहले चरण में 44 लाख, दूसरे चरण में 58 लाख वृद्धि, तीसरे चरण में 94 लाख की वृद्धि और आखिरी चरण में 1,31,00,000 की वृद्धि। और आज इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सोच और विचारधारा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स गोवा के इस एयरपोर्ट में आए और डबोलिन में भी आए। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रमोद सावंत जी को। मैंने उनसे निवेदन किया था कि ATF पर वैट दूसरे राज्यों की तरह हमें गोवा में भी कम करना होगा ताकि ज्यादा कनेक्टिविटी दे पाए और ये निर्णय प्रमोद सावंत जी ने लिया है। पिछले 8 वर्षों में मेरे भाई और बहनों जो एक अंतर नागर विमानन क्षेत्र में आया है प्रधानमंत्री जी ने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करके छोड़ा है। और इस लोकतांत्रिकरण की वजह से जहां पिछले 68 वर्षों में देश के आजादी के बाद केवल 74 एयरपोर्ट्स होते थे 8 साल की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71 नए एयरपोर्ट्स वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स बने हैं। 145 आज संख्या पूरे देश में बन चुकी है 8 वर्षों के अंदर। और इसी के आधार पर उड़े देश के आम नागरिक की योजना के आधार पर 453 नए रूट 1,10,00,000 यात्री जिनमें से कई ने कभी भी हवाई जहाज में उड़ान नहीं भरी होगी 2,15,000 फ्लाइट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आधार पर सी प्लेन्स और हेलीकॉप्टर की रूट भी दी गई है। गोवा को आज मैसूर से जोड़ा गया है उड़ान की योजना के तहत, आगे जाके नासिक को भी जोड़ा जाएगा और 2 वाटर एरोड्रोम्स भी इस क्षेत्र में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि असली विकास वही होता है जो कोने कोने तक पहुंच पाए। और इसी विचारधारा के आधार पर आज लोग हवाई अड्डे के पास नहीं जाते लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था कि हवाई अड्डे को लोगों के पास जाना होगा और उसी आधार के तहत आने वाले भविष्य में देश के अंदर 95,000 करोड़ का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में होगा। देश में जो 145 हवाई अड्डे आज हैं वाटर ड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स 220 तक हम ले जाएंगे और जो वर्तमान में 700 का प्लेन की फ्लीट है देश में वो 1200 तक पहुंच पाएगी। प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्वर्णपूर्ण गोवा का निर्माण करना होगा उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति आज ये हवाई अड्डा भी एक मील का पत्थर स्थापित होगा इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और इस विशेष सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी को हम दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। हमारी चाहत है कि भारत की जनता और गोवा की जनता इस उड़ान के भागीदारी के रूप में जरूर बने। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत साधुवाद आदरणीय सिंधिया जी इस ऊर्जा भरे स्वागत भाषण के लिए। सबकी ओर से विनम्रतापूर्ण निवेदन है गोवा को विकास और प्रगति के डगर पर ले जाने वाले युवा और कृतिशील गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से कि वे इस अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करें। मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळ या समेस्त गोयकरांच्या ड्रीम प्रोजेक्टाच्या उक्तावण समारंभाक हाजीर आशिल्ले आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले जी, देशाचे नागरी उड्डाण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,